All right, ladies and gentlemen. Ouch, 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 ouch. ओके okay, बताऊंगा कैसे लगी वीडियो में बताऊंगा सो so, यस yes, मैं वापस आ गया हूँ माइंड का अपडेट वॉर्स की और नई वीडियो के साथ और मैं हूँ पायलट मैमल और यस yes, एकदम ब्रिटिश ऑफिसर वाला हेयर स्टाइल है अगर तुम सोच रहे हो कि ये हेयर स्टाइल तो देखा देखा लगता है वैसे ये मेरा नेचुरल हेयर स्टाइल मतलब मेरे बाल ऑटोमेटिकली ऐसे हो जाते हैं मैं दोनों में से किसी साइड एक पिक्चर डालूंगा तो मैं थोड़ी तो कॉन्ग्रुएंसी दिख ही रही होगी सो यस विदाउट एनी फर्दर एडो अगर तुम यहाँ पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो वीडियो को लाइक करना और एंड तक देखना एनआर यस स्टार्ट द वीडियो देन ऑल राइट लेडीज एंड जेंटलमैन एंड उ हम साइएन टीम है सो so, yes, हम आ गए एक और बेड वॉश के मैच में और मैं तुम्हें अब बताता हूँ मेरे को लगी कैसे तो बड़ा देखो हंसना मत <laughs> तो क्या हुआ आज हम ना एक मॉल गए थे आ, मेरे को पता नहीं वो कहाँ है बट है मतलब रजौरी गार्डन से ब्लू लाइन लेके ना पहला मॉल वही वो ही, वो, ही, वो एक मॉल है उससे मतलब पांच सौ मीटर की दूरी में तो जो जिसे पता है जो थोड़ा दिल्ली घूमा है उसे समझ आ गया होगा अगर तुम दिल्ली के हो मतलब लाइक रजौरी गार्डन होती है जो मजेंटा लाइन हाँ पिंक लाइन सॉरी पिंक लाइन लेके फिर वहां से ब्लू लाइन लेके

इन लाइनर्स थे वहां तो मैंने कहा इन लाइनर्स तो पहन नहीं सकते स्केट बोर्ड चला लेता हूँ ठीक है और वो स्केट बोर्ड भी लाइक वो स्केट बोर्ड खाली थे वहां पे लाइक था ट्राइमी वाले स्केट बोर्ड से तो उनको हम यूज कर सकते हैं ठीक है ऐसी बात नहीं थी तो अब मैं लग गया स्केट बोर्ड चलाने तो अभी तक मैं स्केट बोर्ड चलाया उस पर खड़ा हो रहा था और मेरा दोस्त कभी कभार मुझे मजाक में हल्का सा धक्का दे देता तो मैं बैलेंस हो जाता था फिर भी क्योंकि मेरा बैलेंस अच्छा है ड्यू टू मैं बचपन में स्केटिंग करता था और मेरे सामने इन लाइनर्स तो थे अब मेरे अंदर आ गई अड्रेन की नीड पता नहीं कैसे ठीक है तो मेरे को लगा यार मेरा बैलेंस भी अच्छा बन गया मेरे को पोजीशन भी समझ आ गई कि कैसे खड़े होना है तो मैंने सोचा क्यों ना हल्का सा पुश देता हूँ मेरा दोस्त तो इधर ही खड़ा है लेकिन फिर मेरे को याद आ <laughs> तो मैं फिजिक्स पे मैंने ध्यान नहीं दिया ठीक है ज्यादा मैं थोड़ा सोच के करता मैं चला लेता बट उस टाइम यू नो एक्साइटमेंट में थे तो ध्यान नहीं दिया तो भाई जी हम गए अब हम जा रहे हैं ठीक है डी कैंथलॉन में मैं हूं छोटी सी जगह मेरे को लगा हाँ क्रैश भी नहीं करूंगा यहाँ पे तो तो क्या ही होगा और हल्का सा ही चला रहा हूं ज्यादा हुआ तो कूद जाऊंगा साइड में बट क्या होता है ना एक मोमेंटम ट्रांसफर का लॉ होता है फिजिक्स पे ठीक है तो मैंने क्या किया मैंने स्केटबोर्ड को पीछे वाले पैर से पुश दिया और जो सामने वाला पैर था ना वो भी पता नहीं क्यों वाई डिड आई थॉट इट वुड बी ऑल राइट वो भी मैंने पीछे ले लिया और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि स्केटबोर्ड को तो मोमेंटम मिल गया मेरा जो वेलोसिटी थी वो जीरो रह गई तो मैं तो आगे नहीं बढ़ा स्केटबोर्ड आगे बढ़ गया <laughs> तो यस तो फिर मैं यू you नो know, फिर एक पॉइंट के बाद ऐसा हो जाता ना गिरते गिरते कि लाइक like, तुम्हें होता है यार अब इससे बचने वाला एफर्ट ना वर्थ इट नहीं है है ना और साथ में ऐसा कुछ था भी नहीं जो मैं पकड़ लू मेरा दोस्त भी साइड में बैठा हुआ था वो उठ के आ नहीं सकता सो आई वाज लाइक गिरते हैं अब हम चोट मिनिमाइज करने का सोचते हैं लाइक वो कैसे करे तो फिर मैंने क्या किया मैंने सोचा मैं थोड़ा टेढ़ा होके हाथ के बल गिरता इज अ स्मार्ट थिंग है ना और एक और चीज मेरे दिमाग में है कि कोनी के बल नहीं वरना जॉइंट फ्रैक्चर हो जाएगा क्योंकि देखो नीचे तो फ्लोर था और कड़क फ्लोर था तो मैं अब गिरा तो थैंकफुली मेरे दिमाग मेरे में इतनी बुद्धि थी उस टाइम पे भी कि मैं हाथ पूरा फ्लैट होके गिरा ठीक है और पूरा भी नहीं गिरा बट वो पूरे हाथ में मेरा इम्पैक्ट लगा और इतनी जोर का लगा क्योंकि मेरा वेट थोड़ा ज़्यादा है यस यस आई आई एम एम फैट सो वो वेट इतना ज़्यादा था मेरा कि वो वेट सीधा मेरे हाथ में ट्रांसफर हुआ और मेरा हाथ वॉज लाइक कंप्लीटली जस्ट मेस्ड है इतना दर्द हुआ ना डूड मुझे मतलब दर्द नहीं एक तरीके से सुन हो गया पहले हाथ और थोड़ा यू नो एड्रेन भी आ गया तो उस वजह से दर्द नहीं हुआ फिर जब मैं मेट्रो यू नो ट्रैवल कर रहा था तब थोड़ा लॉक होना शुरू हुआ अभी भी लॉक है मतलब कहते हैं ना वो एक थोड़ी सी लाइक जॉइंट्स लॉक होने शुरू हो गए तो दर्द अभी भी कहीं नहीं हो रहा स्वेलिंग नहीं है नील भी नहीं पड़ा मतलब हाथ वाथ तो नहीं टूटा बट हाँ एक तरीके से हाथ मेरा लॉक जरूर हो गया है तो <laughs> यस so, yes, मैं इसको ज्यादा अच्छे से यूज नहीं कर सकता अरे किसी ने तो वहां अरे ये स्मार्ट लोग भी ना भाई साहब यार मैं ईमानदारी से डायमंड लेने जा रहा हूँ है ना व्हाट 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 डू यू हैव कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर विदे मुआ यस yes, चलो जी चलो 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 ओह हो बच गया ओके okay, सो so हम अभी जा रहे हैं अपने बेस में यस yes, हम्म सो so, आप शार्पनेस ले लेता हूं बिकॉज मेरे पास एज ऑलवेज पहले से ही चार डायमंड आ जाते हैं पता नहीं कैसे बट ओ व्हाट वॉट दूर इतनी जल्दी सिर्फ तीन टीमें व्हाट 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 आर यू टॉकिंग माय गाय मैं फायरबॉल जंप नहीं कर रहा हूं वैसे मैं सीख के आया हूं फायरबॉल जंप कैसे करते हैं बट स्टिल आई डोंट ट्रस्ट माय स्किल्स इन दैट नॉट राइट नाउ अभी आई डोंट ट्रस्ट माई सेल्फ इनफ फॉर दैट ओके ये यहाँ ऐसे एक ब्लॉक इसके नीचे ऐसे यहाँ पे ऐसे ये देखा सेफ सेफ प्लेटफॉर्मिंग आई सेफ प्लेटफॉर्मिंग ऑलवेज बी सेफ सेफ्टी फर्स्ट क्योंकि मर जाएंगे फिर यू नो फायदा सब सामान चला जाएगा फायदा नहीं होगा ओके okay, मैं यहाँ पे भी अपना छाप छोड़ देता हूँ मेरे को बताओ यार ये बैनर्स कैसे लग को बताओ मेरे को भी अपना एक बैनर खरीद लूंगा मैं फिर मैं कहीं से ओके ओके सेवर मेरा फायर बॉल वेस्ट हो गया नाइस दिस इज अ नाइस एरिया टू जंप नाइस मैं इसमें ब्रिजिंग कर देता हूँ फिर मैं आसानी से पेड़ से ही ऐसे जंप मारता यस नाइस नाइस लोगों की भी थोड़ी सहूलियत हो जाएगी बस भला करें इंसानियत यही तो है <laughs> आ, मेरे को बाबा बन जाना चाहिए ओके आई गेस आर्मर के लिए इतना काफी है कि ये मैं यहां से ऐसे कनेक्ट कर देता हूं चलो आठ हो गए आठ में आराम से डायमंड का आर्मर आ जाएगा एक और अच्छी चीज मैं सायन हूं सो so, सायन देख के तो सबको लगता है कि फुल डायमंड ओके okay, येलो एलिमिनेट हो चुका है

ओके okay, मेरे को प्रोटेक्शन लेनी थी यस yes, मैं मेरे को लग रहा था मैं कुछ तो भूल रहा हूँ मेरे को याद नहीं आ रहा था मैं भूल क्या रहा हूँ प्रोटेक्शन ऑलरेडी ले रखी मेरे को एक और डायमंड ओके जो जहां भी है वो वहीं से ही उड़ जाए ओ हो हो हमें ही गिरा दिया बछुआ ने चलो ठीक है कोई ना कोई ना कोई ना कोई ना हम अभी भी हील पूल में और डायमंड का आर्मर है अभी भी हमारे पास ओके मैं हार जाऊंगा यहाँ पे वैसे तो चलो कोई ना एक और मैच ऑल राइट गाइस तो ये ये था हमारा आज का Minecraft Bed Wars का वॉर्स गेम प्ले सो अगर तुम्हें ये देख के मजा आया तो अभी जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो ठीक है वीडियो को लाइक करना अगर तुमने यहां तक देखा है और यार जाओ मेरा डिस्कॉर्ड भी ज्वाइन करो ठीक है मतलब बहुत मजेदार जगह है वो ऑल राइट सो ये था हमारा आज का माइंड क्राफ्ट बेड वॉर्स का वीडियो इफ यू एंजॉयड इट सब्सक्राइब एंड लाइक एंड ऑल सी यू इन द नेक्स्ट वन आर